क्लास टेंथ विषय हिंदी गद्य में पाठ का क्या पाठ है? ये ग्यारहवा पाठ है। नौबत खाने में इबादत, लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। सबसे पहला प्रश्न, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। अला बिस्मिल्ला खां का असली नाम क्या था? चलिए अमरीरुद्दीन। हाँ ठीक है। बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जो गांव का नाम था डुमराव। नहीं, चलिए। बिस्मिल्ला खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बालाजी के मंदिर में। कहाँ जाते थे? बालाजी के मंदिर में। अगला है, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है? सहनाई बनता है। नरकट जानते हैं? नरकट बांस की तरह होता है। नरकट, वो नरकट से बांसुरी नहीं बनता, बांसुरी देखा देखली बड़ी में कहता है बांसुरी, बांसुरी वो बांसुरी किससे बनता है? नरकट से बनता है। क्या बनता है? नरकट पेड़ होता है, नरकटी नरकट का पेड़ होता है, उसको काट के ना बनाता है लोग बांसुरी। बांसुरी भी उसी से बनता है, सहनाई भी उसी से बनता है। भारत सरकार ने बिस्मिल्ला खां को किस सम्मान से अलंकृत किया था? नहीं, भारत रत्न से। भारत रत्न मिला था उनको। भारत में बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको भारत रत्न मिलता है। बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न मिला था क्योंकि बिस्मिल्ला खां जो सहनाई बजाते थे उनका जोर आज तक नहीं मिला है। सहनाई बजाने में सबसे नंबर वन व्यक्ति थे बिस्मिल्ला खां। शादी होता था, नहीं बजता है बजता है तो ये बच्चा सब क्या करता है? शादी भी बड़का का शादी जो धनी मनी का लोग का होगा ना शादी, तो वो लोग बिस्मिल्ला खां का सहनाई बना के छोड़ देगा। अच्छा तो गरीब रूप का होगा तो डीजे बजाएगा खाली, वो डांस वाला। और जो अमीर क्वालिटी का थोड़ा होगा उसमें शादी होगा देखिएगा तो उसमें सहनाई बजा के सो जाता है, तो उसमें जो बच्चा सा नाश्ता लाने आता है खाने नाश्ता खाने वो सुन के सो जाता है। हाँ बच्चा सबको नींद आता है उसको सुन के। हम लोग जब भी जाते हैं सहनाई सुनते हैं ना तो नींद आने लगता है, और खास कर पहले जाते अब समझ में आता है। जब से ही पाठ पढ़े तब से समझ में आता है इसे सहनाई है। सहनाई का मतलब बहुत अच्छा होता है, ये पीपी जो बजाता है वही में, ठीक है। बाद में पता चला कि सहनाई का स्वाद क्या होता है, हालांकि अभी वो नींद आता है जिस कल बोले अभी वो तो 2 घंटा बैठ जाएगा उसमें 1 घंटा तो नींद आ जाएगा वहीं आराम से। शादी बाद में देखिएगा नींद पहले आ जाएगा। तो बच्चा लोगों को लगता है क्या कि नाश्ता ना ले इसीलिए सूतने के लिए लगा दिया है, मगर वो सहनाई होता है। चलिए पहले सहनाई शादी में बजती थी। अगला है, तो डुमराव में एक दूसरे के पूरक है क्या? डुमराव और एक दूसरे का नहीं, सहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक है, पता है ना। जब भी नाम आता है सहनाई का आता है डुमराव का नाम आता है, जब भी नाम आता है डुमराव का तो सहनाई का नाम याद आता है। क्यों? क्योंकि भारत के सबसे है, हाँ काशी में डुमराव गाँव है, समझ गए, काशी में डुमराव गांव। तो डुमराव का नाम और कभी बांसुरी का नाम साथ आता है। कारण क्या सहनाई का? क्योंकि इस भारत के सबसे सुप्रसिद्ध सहनाई वादक कौन थे? बिस्मिल्ला खां। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था, इसलिए। अगला, सहनाई बजाने के लिए डैश का प्रयोग होता है किसका? सहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? रीढ़ का और बांसुरी का, और रीढ़ का हड्डी का पूरा जोड़ पड़ता है उसमें, और गला का आवाज जोड़ ही पड़ता है उसमें, है ना, साउंड वोकल का। अगला है, डैश संस्कृति की पाठशाला है, किसे संस्कृति की पाठशाला कहा गया है? काशी को। काशी जो है ना, काशी कहाँ पे है? यूपी में है, बनारस काशी, उसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। अगला है, डैश वर्ष के उम्र में बिस्मिल्ला खां संसार को विदा हो गए, कब? 90 वर्ष की उम्र में। बिस्मिल्ला खां उस्ताद और डैश मिठन के छोटे साहबजादे, तो कौन कौन? बिस्मिल्ला खां उस्ताद और पैगंबर बख्श खां। क्या नाम है उसका? पैगंबर बख्श खां और मिठन के छोटे साहबजादे थे, नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, बिस्मिल्ला खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा 1916 में डुमराव में हुआ था। बिस्मिल्ला खां को संगीत के प्रति रुचि कैसे हुई थी?
तो बिस्मिल्ला खां को संगीत के प्रति रुचि रसूलन बाई और बतूलन बाई के ठप्पे ठुमरी और दादर क्या है दादरा को सुनकर हुई थी। नाम था ना उसमें रसूलन बाई और बतूलन बाई, हाँ उनके उनके डांस को देखकर उनको जो है ना शहनाई बजाने की ललक जग गई। अगला है शहनाई की शिक्षा बिस्मिल्ला खां को कहाँ मिली थी, तो शहनाई की शिक्षा बिस्मिल्ला खां को अपने ननिहाल काशी में मिला था, है ना। चलिए अगला है बिस्मिल्ला खां बचपन में अपनी फिल्में देखते किसकी फिल्में देखते थे और बिस्मिल्ला खां बचपन में किसकी फिल्में को दीवाने थे बताइए। तो बिस्मिल्ला खां बचपन में गीताबली और सुलोचना की फिल्में देख के दीवाने थे, सुलोचना हीरोइन थी उसी का फिल्म देखा करते थे। चलिए अगला है अपने मजहब के अलावा बिस्मिल्ला खां को किसमें अत्यधिक प्रसिद्धि मिली थी, तो अपने मजहब के अलावा बिस्मिल्ला खां को काशी विश्वनाथ और बालाजी में अगाध श्रद्धा थी। श्रद्धा थी मतलब क्या, वो काशी बाबा काशी का जो बाबा काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर है ना, हम लोग गए थे काशी तो दर्शन किए थे इस मंदिर का, सोना का परत से बनाया गया ऊपर बनाया गया था सचों का सोना का परत, तो उसमें वो बिस्मिल्ला खां का जो उसमें जब भी जाते थे ना काशी में तो उनको प्रणाम करके उसी की तरफ मुंह करके बजाया करते थे शहनाई। आपको पता होगा कि बिस्मिल्ला खां थे मुस्लिम परंतु हिंदू के मंदिरों में भी बहुत बालाजी के मंदिर और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में विशेष श्रद्धा रखते थे, उनको बहुत हिंदू से मुस्लिम से मतलब उनको धर्म से कोई मतलब नहीं था, हिंदू है कि मुस्लिम से कोई मतलब नहीं था, उनको बस कला प्रेम था, कला से प्रेम था और बाबा विश्वनाथ को बालाजी को बहुत अपना आराध्य मानते थे, देवता मानते थे वो, अच्छा होता है। चलिए अला है बिस्मिल्ला खां किसको जन्नत मानते थे, तो बिस्मिल्ला खां शहनाई को और काशी को जन्नत मानते थे। जन्नत माने कि स्वर्ग कहाँ पे है, तो बांसुरी शहनाई बजाने में और काशी जो है वही जन्नत है। बिस्मिल्ला खां किसके पर्याय थे, बिस्मिल्ला खां का जब भी नाम आता तो किसका नाम जुड़ा हुआ रहता है, शहनाई का, शहनाई जब भी नाम आता है तो किसका नाम जुड़ा रहता है, बिस्मिल्ला खां का। अला बिस्मिल्ला खां को जिंदगी की आखिरी पड़ाव पर किसकी किस बात का अफसोस रहा, तो बिस्मिल्ला खां को जिंदगी की आखिरी पड़ाव पर मैंने मरने के समय में इस बात का मतलब उसको अफसोस हुआ कि संगतियों के लिए गायकों के मन में आदर न होना, चौथा कादरी के गायब होने और मलाई शुद्ध घी की कचौरियाँ न मिलने का अफसोस हो रहा था। आप जानते हैं कि उनको जो है ना किसका हलवाई ना ना रसलन भाई तो डांस करने वाले थे, शायद कौन दो थी वो याद नहीं आ रहा है, उसकी कचौड़िया बहुत अच्छा लगता था, देसी घी की कचौड़िया, देसी घी में कचौड़िया जब छनती थी खाने में बड़ा अच्छा लगता था, और जब जाते थे वहाँ पे तो उसका आवाज़ कचौड़ी का छन छन का जो आवाज़ सुनाई देता था उसको संगीतमय कचौड़िया कहते हैं, कहते हैं क्या संगीतमय कचौड़िया नहीं कुलसुम, हाँ कुलसुम, कुलसुम की संगीतमय कचौड़िया बहुत उनको पसंद थी भाई बहुत ज़्यादा, वो सब नहीं मिल रहा था उनको, अच्छे संगीतकार गायब हो चुके थे और अपने देश में शुद्ध चीज़ मिलना बंद हो गया था, इस बात के लिए बहुत अफसोस हुआ उनको। सही में अब अफसोस होवे करेगा ना, अब शुद्ध घी में कौन कचौड़ी खिलाएगा आपको, खाने के लिए घी कहाँ है लोगों को, आपको कचौड़ी खिलाएगा नाम के लिए है सब। तो यही पे आपका इंड हो जाता है अन्य प्रश्न, टोटल कितने अन्य प्रश्न हो गए, तो टोटल अन्य प्रश्न हो गए 8, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना देखे हैं आप, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप देखे हैं टोटल 12 क्वेश्चन थे लगभग, 12 क्वेश्चन नहीं 11 क्वेश्चन थे ठीक है, और 8 इसमें कितने हो गए 19 क्वेश्चन हो गए जो आपको नए हो गए जो आपको ऐड करना पड़ेगा ठीक है। चलिए